बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि वार्षिक ये जो यात्रा है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की, ये 7 तारीख को जम्मू से निकलेगी और 8 तारीख को इन्होंने दर्शन करने हैं। पूरे देश भर से ये यात्रा आती है और इस यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक आदेश जारी किया है, एक सर्कुलर यानी एक ऑर्डर के तहत जो ADC पुंछ है उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि यात्रा को लेकर एक समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। यानी अगर जम्मू से यात्रा चलती है तो जब वो यात्रा प्रवेश द्वार बिमर गली पर पहुंचेगी यानी BG पहुंचेगी तो लगभग 4 बजे से आसपास में उसे क्रॉस करना है और 4 बजे के बाद जो है किसी भी यात्रा के वाहन को आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ जैसे दूसरे दिन यात्री जब पुंछ पहुंचते हैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो वापस जब लौटते हैं तो वो भी समय निर्धारित यानी वो 12 बजे से पहले आपको बिमर गली को क्रॉस करना है। ये सारा जो निर्णय, ये जो ऑर्डर है, काफी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसे में सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सुरक्षा को लेकर कई पुख्ता यात्रा में इंतजाम भी किए गए हैं और ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय निर्धारित किया गया है कि प्रवेश द्वार बिमर गली यदि जम्मू से जब यात्रा चलेगी तो 4 बजे से पहले उन्हें बिमर गली क्रॉस करना पड़ेगा और अगर यात्रा पुंछ से वापस दर्शन करके आती है तो उन्हें 12 बजे से पहले जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा बिमर गली को। उसके बाद किसी भी यात्री वाहन को, किसी यात्री को आगे जाने की अनुमति जो है उसके जो व्हीकल है उसको परमिशन जो है वो नहीं मिलेगी। ये ऑर्डर ADC पुंछ ने लागू किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस ऑर्डर को सभी को फॉलो करना है। हालांकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 8 तारीख को शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस यात्रा में देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो चाहे राजस्थान, अम्बाला, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से या फिर आसपास हरियाणा, जहां से भी है, क्योंकि इस यात्रा को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो चलाता है और ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान पुंछ, इन्हें चट्टानी बाबा भी कहा जाता है। यहां पर एक चट्टान के आकार में भोलेनाथ वहां पर विराजमान है जो कि पुंछ का राजपुरा इलाका मंडी, वहां पर भव्य मंदिर है और सावन के माह में ये पवित्र यात्रा जो है यहां पर की जाती है। उस यात्रा का बड़ा ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि महर्षि जो पुलिस्थ हुए हैं ये उनकी नगरी है पुंछ और मैं कभी इस पूरी डिटेल्स पे को लेके एक स्टोरी हम जरूर बताएंगे। बहरहाल ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है ये पावन वार्षिक यात्रा 8 तारीख को शुरू होने जा रही है तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट था जो हमने आपके साथ साझा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी ADC पुंछ ने एक सर्कुलर, एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 4 बजे और 12 बजे के बीच जो है आपकी आवाजाही जो है वो रहेगी, उसके बाद परमिशन नहीं होगी क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते जो सूत्रों के मुताबिक है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस यात्रा पर तैनात किए जाएंगे। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जो कि पुंछ का बेस कैंप यहां पर यात्रा का होता है, जो ITI ग्राउंड है वहां पर तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। तमाम जितने भी रास्ते में लंगर लगने हैं वो चाहे रजौरी हो, सुंदरबनी, नौशहरा, पुंछ, मेंढर प्रवेश द्वार, BG, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो लगभग बूढ़ा अमरनाथ को लेकर पूरी हो चुकी हैं और कहा जाता है कि जो कोई बाबा बर्फानी के दर्शन अमरनाथ करके आता है उसे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी उसकी यात्रा जो है वो संपूर्ण होती है। और इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे पहले ये जो समय सीमा जो निर्धारित थी ये जम्मू से श्रीनगर यानी जो अमरनाथ जी की यात्रा है उसके लिए होती थी, लेकिन इस बार जो है वो सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है कि इस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, सभी लोग इसका कोऑपरेट करें, तमाम यात्रियों को या यात्री वाहनों को, क्योंकि जो यात्रा की बसेस आती हैं वो एक एज पर प्रोटोकॉल आती है, जम्मू से उन्हें जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाता है और ठीक समय निर्धारित, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि 4 बजे जो है उन्हें प्रवेश द्वार बिमर गली यानी जो पुंछ का प्रवेश द्वार है उसको क्रॉस करना है और जब यात्रा पुंछ से वापिस आएगी अगले दिन यानी यात्री दर्शन करके वापिस जम्मू की तरफ लौटेंगे तो उन्हें 12 बजे से पहले बिमर गली को क्रॉस करना पड़ेगा। ये एक अपडेट था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ और हम यही कामना करते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में जितने भी श्रद्धालु देश भर से आए आप बेझिझक होकर निश्चिंत होकर आए क्योंकि हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारा प्रशासन जो है वो आपकी इस यात्रा के लिए हार्दिक स्वागत जो है वो करेगा। तमाम यहाँ के लोग, क्योंकि
आपसी भाईचारे की मिसाल है बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। यहाँ पर पूरे विश्व भर में एक संदेश दिया जाता है क्योंकि सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। वो कुछ तस्वीरें भी हम आप तक जो है वो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस बार की ये यात्रा काफी खास होने वाली है क्योंकि बाबा चट्टानी के दर्शन करने, बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में आते हैं। तो ऐसे में इसके साथ ये जुड़ा हुआ अपडेट था और हम कोशिश करेंगे कि इस अपने प्लेटफॉर्म के इस माध्यम से आप तक हर एक यात्रा के साथ जुड़ी हुई खबर, यात्रा के दर्शन, बाबा बर्फानी के दर्शन और तमाम जितने भी अपडेट्स होंगे वो आप तक हम जरूर साझा करेंगे। और ये अब तक का एक बड़ा अपडेट था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा जो है वो काफ़ी मतलब कि वहाँ की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, पानी, बिजली, सड़क, हर चीज़ को लेकर डीसी पुंछ यासीन एम मलिक ने जो है वो बैठकें कर रहे हैं ताकि यात्रा में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी पुंछ भी सुरक्षा समीक्षा बैठकें जो है वो ले रहे हैं, जबकि एडीजीपी जम्मू आनंद जैन भी पुंछ में पहुंचे थे। ये तमाम तरह की बैठकें जो है वो हुई है ताकि एक आपसी भाईचारा, एक जो यहाँ पर कम्युनल हारमोनी की एक मिसाल जो है वो दी जाती है इस यात्रा में, तो वो साफ तौर पर दिखे। हालांकि इस यात्रा को जो पूरा कंट्रोल या जो छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं 1008 स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, वो भी वहां पर कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे क्योंकि इससे पहले स्वामी जी वहां पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने तमाम जो जितने भी मैनेजमेंट कमेटीज थी उनके साथ बैठक, तमाम राजपुरा के जो सभी समुदाय के लोग थे, पुलिस प्रशासन के ये सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उनके साथ जो है एक समीक्षा बैठक की थी। और इस बैठक के दौरान जो है वो उनसे पूछा गया था कि क्या कुछ इस बार हम वो कर सकते हैं, तो तमाम तरह की जितने भी मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्थाएं हैं क्योंकि वहां पर लंगर सेवाएं भी लोग देते हैं, जम्मू से जाते थे बाहर से लोग जो है वो लंगर सेवाएं भी देते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर बैठक हुई। खासतौर पर सुरक्षा को मद्देनजर काफी प्राथमिकता दी गई है और ऐसे में आप बेफिक्र होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने आए और हम यही कामना करते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी आप पर अपनी असीम कृपा जो है बनाए रखें क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो अंतिम चरम पर है, वो भी काफी संख्या, इस बार रिकॉर्ड जो है वो बीट हुआ है कि काफी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो लोगों ने किए हैं, इसके साथ माता मचेल की यात्रा भी। तो ये जो सावन का महीना रहता है इसमें तीन यात्राएं हमारी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रहती है। तो ऐसे में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की पावन यात्रा को लेकर ये अपडेट था जिसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आपको जब जम्मू से निकलना है यात्रा या कोई भी यात्री, हमने देखा है कि जम्मू डिवीजन के अंदर उधमपुर, कठुआ, सांबा, अखनूर, ये तमाम जो आसपास सुंदरबनी के क्षेत्र हैं यहां से लोग रैंडमली यात्रा करने भी जाते हैं, यानी यात्रा डेट के आसपास भी, तो सबके लिए एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया कि आपको जो प्रवेश द्वार भिमर गली है, जो मेंढर का एंट्रेंस है यानी पुंछ का एंट्रेंस पॉइंट है, उसको आपने 4 बजे पार करना है। जो लोग सुंदरबनी, सांबा, कठुआ, जम्मू से जाते हैं, उधमपुर से जाते हैं, तो उनको वो क्रॉस करना है। और जो लोग दर्शन करके वापस आएंगे यानी अगले दिन जो वापस आएंगे, तो उन लोगों को लगभग 12 बजे भिमर गली को जो है वो क्रॉस करना है। ये एक जुड़ा हुआ अपडेट था। आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी चट्टानी के जो दर्शन करने जो लोग प्लान कर रहे हैं यात्रा में आने का, उन तक ये मैसेज पहुंच सके ताकि वो अपडेट ले सके। और आपको एक बार फिर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं।